चीफ जस्टिस ने रजिस्ट्रार ऑफिस की जानिब से लगाए गए एतराजात को फिर बरकरार रखते हुए डॉन लीक्स की रिपोर्ट मंजरियां पर लाने की दरख्वास्त पर एतराजात के खिलाफ अपील खारिज कर दी। वज़ीर-ए-आज़म शाहिद कपान अब्बासी ने कहा नैब सियासी जमातें तोड़ने के लिए बनाया गया, जिनको नीम कानून है। उन्होंने कहा नैब के मुकदमात में इंसाफ की तवक्को नहीं, इदारे हदूद से तजावुज करें तो मामलात नहीं चल सकेंगे। अहद चीमा से जो हुआ है उसके बाद कोई काम करने को तैयार नहीं। अफगानिस्तान के दारुल हुकूमत काबुल के इलाके कबलबाई में खुदकुश कार बम धमाके के नतीजे में 4 अफराद जख्मी हो गए। बरतानिया में ईमा तूफान के बाइस मवासलाती निजाम गरम भरम हो गया, जबकि मुतादिद परवाजें मंसूख करना पड़ी। लंका शायर की बेशतर सड़कें नजरों से ओझल हो गई। शदीद तूफान ने लंदन का पेडंटन स्टेशन और ग्लासगो एयरपोर्ट बंद करा दिया। दूसरी जानिब धुंधुर तूफान के बाइस सैकड़ों ट्रैफिक हादसात ने सड़कों का निजाम भी मुतासिर कर दिया। एलिजाबेथ को कत्ल करने की साजिश बेनकाब। 1981 के दौरान न्यूजीलैंड के दौरान 17 साल का जवान ने मलकी एलिजाबेथ दो पर डुनीडन में गोली चला दी थी। बेनजीर भुट्टो जनरल अस्पताल के ऑपरेशन थिएटर में वाइटल धागा खत्म होने का इंकशाफ, सारा बोझ गरीब मरीजों पर डाल दिया गया। किसी भी जहरियत का जवाब एटमी हथियारों से दें, रूसी सदर प्यूटन ने पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास से 2 घंटे तवील खिताब के दौरान ऐलान किया। रूस ने इंतहाई तबाहकुन एटमी हथियार तैयार कर लिए हैं और ये जदीद तरीन है एटमी मिसाइल दुनिया में कहीं भी मार सकते हैं, जबकि अमरीकी दिफाई निजाम भी इन मिसाइलों को नहीं रोक सकेगा। साबिक कौमी कप्तान शुएब मलिक ने कहा है वसीम अकरम जैसे अजीम क्रिकेटर ने PSL 3 में मुल्तान सुल्तान से क्यादत संभालने का कहा था, इसलिए इनकार नहीं कर सका। ताहम कतई तौर पर कौमी टीम की कप्तानी की ख्वाहिश नहीं रखता। और पाकिस्तान ड्रामा और फिल्म इंडस्ट्री की मारूफ अदाकारा आयशा खान का शुमार इंडस्ट्री की बेहतरीन अदाकाराओं में होता है, जिन्होंने मुतादिद ड्रामों और फिल्मों में हकीकी अदाकारी से खूब नाम कमाया। लेकिन अब मद्दाहों के लिए बुरी खबर ये है, आयशा खान ने शोबिज को हमेशा के लिए खैबात कहने का ऐलान कर दिया। अस्सलामु अलैकुम, तहलका न्यूज़ के साथ मैं हूँ नुसरत खलील। हेडलाइंस आपने जानी, मजीद अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट तहलका.tv।